राजा इधर उधर की बात को तो नहीं करना चाहूंगा, मैं धीरे धीरे बात करता हूँ। कुछ बात ऐसी कहना चाहूंगा जिससे थोड़ा सा गर्म मुल्क है ही अपना और बात करें। कुछ अपनी एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा अपना। दिल्ली में मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट की है और वहाँ पे भी कुछ ऐसे वार्ता हुए हैं मेरे साथ, जैसे ट्रेन में, तो मैं बताना चाहूँगा रात को और बाकी हर जगह तो आप लोग तो बाकी हैं। सबसे पहले जो मेरा एडमिशन था, मैं वहाँ एक प्रोफेसर के पास गया था क्योंकि मेरा लिस्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा था कि कब आएगा लिस्ट, लिस्ट आ रही थी मेरा नाम क्या था। फिर हुआ क्या, मैं गया प्रोफेसर से, मेरा भाई चेक, मैं बोला सर ऐसी सी बात है मेरा नाम नहीं आ रहा है तो चेक करिए थोड़ा फाइल आपके पास पड़ी हो, कराने ने बताया मुझे ठीक है चेक कर दूँ तो ऐसे ही हो रहा। तुम तो अपने हो यार और कहने तुम्हारा, बोला सर आप इस बात पर बैठ कर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं वो भी चार लोगों के सामने ऐसे ही टेबल लगा हुआ था तो बोले कि बेटा तुम नहीं सुनते भी नया। कुछ दिन बाद रोहित में बोला आया यूनिवर्सिटियों में भी आती बात बोलती है, मैंने भी हमारे प्रोफेसर भी रतन लाल जी को आप जानते होंगे शायद, बिहार के रहने वाले हैं प्रोफेसर रतन लाल जी, काफ़ी यूट्यूब पे आते हैं वो बहुत कुछ डिफाइन करते हैं। दूसरा वादा ये रहा था कि मैं ट्रेन में आ रहा था, ट्रेन में आ रहा था तो एक तो आर्मी के जवान थे मतलब राजपूत थे बैठे हुए थे, ज़्यादातर जानते ही आप लोग की ट्रेन में ही राजनीति की बातें ज़्यादा होती क्योंकि वहाँ पे सब फ्री रहता है। तो क्या हुआ लगे हुए थे कि भाजपा आई है बहुत बढ़िया है, आरक्षण होगा, संविधान बदला जाएगा, मैं मन ही मन सोच रहा था संविधान तुम्हारे बाप को एक बार कमर से ये भी सोच रहा था कि मेरे बाप को। तो फिर ऐसे ही मैं बोला कि सर आप मतलब आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, मतलब आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे ना, बोले कि हाँ उसमें मुझे क्या करते हो, सर मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ अभी सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा, बोले कि अच्छा तो क्या भी करते हो गए, हाँ सर जाति और आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो ठीक है, तो जाति खत्म करना तो काम करते हैं तो देखने में भी ठीक हो, बच्चे बच्चे होंगे आपके, बोले कि हाँ बोले लड़की है, सीधे मैंने बोला आर्मी का जवान तो भाई सीधे मैंने लड़की है हाँ लड़की बी कॉम कर रही है, बोला फिर भैया भाई साहब है मैं जहाँ से एस सी हूँ समार हूँ भाई साहब है उससे शादी करवा दीजिए आप, अच्छी खासी फैमिली है हमारे पापा भी डिफेंस लाइन में ऐसे पोस्ट पे हैं देख लीजिए, भाई साहब आर्मी का जवान बोल गया। मैं बस उनको मैं बस डिस्कस सुनिए मेरा जाति कागज पे नहीं या फिर आरक्षण कागज पे नहीं, यहाँ कसम और यहाँ कसम है लेकिन चाहिए फिर मेहमान। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो हमें भाइयों बहुत सोच के और समझ के चलना होगा। बाबा साहब के चरणों में जो कैंडी जल रही है ना वो तो दो घंटे में बुझ जाएगी लेकिन जो हमारे दिल में जल रही है ना उसे जलते रहना, उसको भटकाना है, कम नहीं कर देना है, ये एक चीज रख के चलना है क्योंकि ये हमारे युवाओं जो हम युवा है ना इनका मेन दायित्व बनता है कि हमें एक साथ होके चलना है, कोई भी आंधी दुखाना है लड़ना है, क्योंकि बहुत राजा महाराजा की हार के बारे में सुने की रानी पद्मावती ने हार तोड़ दिया सबने, हीराओं के बारे में सुना है कि ये हीरा वो हीरा ये मोती, किसी ने बताया कि उसमें जो हीरा कोई भी हार बनाने के लिए जो रस्सी लगती है या फिर जो धागा लगता है किसी ने वो नहीं बताया होगा, टूटता तो धागा ही है ना बाकी सब निकल जाता है, हमें वो धागा बनाया अभी वो धागा बनना है और अपना महत्व बताना है, वो सबको पिरो के रखना है, जरूरत पड़ने पे सबको ऐसा तोड़ेंगे भी समझ में आ जाएगा और कभी ऐसा जोड़ेंगे भी वो भी समझ में आ जाएगा। बाकी मैं अपने बड़े भाई जैसे कलाजारूस रावण का काफ़ी बड़ा भक्त हूँ, करिया कुमार का काफ़ी सुनता रहता हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, आप लोग भी सुनते रहिएगा। बाकी आप लोग के सामने बहुत अच्छा लगा कि मैं छोटी खुशी आप लोग के सामने आप लोग जैसे बड़े बड़े लोग के सामने मतलब मैं बोल पा रहा हूँ, हालांकि बोलना तो बहुत कुछ होता है और बाकी है आरक्षण तो ये तो मान लीजिए कि आरक्षण और संविधान जो ना तो कभी बदला जाएगा ना तो कभी खत्म होगा, ये किसी की बात की जागीर नहीं है, ये हमारे बाप की जागीर है, उन्होंने इतिहास लोग इतिहास लिखते हैं जो बीत जाता है, ये इतिहास नहीं फ्यूचर लिखे हैं हमारा, ये भविष्य लिखे हैं इसको कोई नहीं लिख सकता है ठीक है। फिर चलिए ठीक है इतना ही बहुत, बाकी और भी भाई हैं उनको बोलना होगा सबको, तो एक बार फिर से जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम।
जय भीम। और कोई